नमस्कार, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक जियो बोर्ड। जैसा कि इस जियो बोर्ड में आप देख सकते हैं, हमने इस पूरे जियो बोर्ड में एक दूसरे से बराबर दूरी पर कुछ रंग बिरंगी पिंस लगाई हैं। ये पिंस एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। अब हम देखेंगे, ये हमारे पास एक छोटी सी रबड़ है और हम देखेंगे कि कैसे इस रबड़ से हम इस जियो बोर्ड के माध्यम से ज्योमेट्री की अलग अलग शेप्स सीख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इस रबर से ये इधर को चार और इधर को भी चार पिंस ली हैं। ये देखिए, चार पिंस इधर को, चार पिंस इधर को, चार पिंस इधर को और चार ही पिंस इधर को ली हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने क्या बन गया है, एक वर्ग बन गया है जिसकी सारी भुजाएं, पिंस की दूरी को हम भुजाओं की लंबाई मान सकते हैं। तो ये जो है, ये एक चार भुजाओं वाला, चार, अगर एक दो पिंस के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर माना जाए तो ये 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग हमारे पास बन गया है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसी एक जियो बोर्ड पर यदि हम चाहें तो ये देखिए, मैंने इस तरफ को 1 2 3 4 5 और 6 और इधर को 3, इधर को 6 पिंस और इधर को 3 पिंस लेकर हमने इन सभी के आसपास ये रबड़ लगाई जिससे हमें एक आयत प्राप्त हुआ। क्योंकि ये पिंस एक दूसरे के बिल्कुल सीध में हैं, एक दूसरे के साथ लंब बना रही हैं 90 डिग्री, इसलिए यह एक कैसा आकृति है, यह एक आयत बन गया है। और यदि हम चाहें तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने इधर को कुछ पिंस ली हैं और इधर को कुछ पिंस लेकर ये कैसा त्रिभुज, हमने एक समकोण त्रिभुज इसी जियो बोर्ड पर दिखा दिया है। और यदि मैं इस त्रिभुज, इस भुजा को यहां से उठाकर और इस तरफ लगा दूं तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज हमारे पास आ गया है। और आप ध्यान से देखेंगे तो मैं पिंस को थोड़ा सा हिला रहा हूं, रबड़ को थोड़ा सा हिलाकर। ये देखिए, इसके इधर 1 2 3 4, तो यदि इधर भी मैं चार बिंदु ले लूंगा, 1 2 3 4, और रबड़ इसके आसपास इस प्रकार से लपेट दूंगा तो यह हमारे पास एक क्या आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज आ गया जिसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक ही जियो बोर्ड पर हम एक ही रबड़ से अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। आइए अब हम कुछ चतुर्भुज देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये देखिए, ये मैंने पिंस को इस प्रकार से यदि मैं लगा दूं तो ये हमारे पास एक चतुर्भुज आ गया है, 1 2 3 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज आ गया है। यदि मैं इस भुजा को यहां से सीधा कर दूं इस प्रकार से, तो ये देखिए, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर हैं, ये जो है एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो यह एक समलंब चतुर्भुज हमारे पास आ गया है जिसकी बीच की जो दूरी है वो बराबर होगी। यदि इस बिंदु को मैं यहां से हिलाकर और यहां लगा दूंगा इस प्रकार से, तो यह हमारे पास क्या आ गया है, एक, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज आ गया है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हमने देखा कि इसी जियो बोर्ड में हम सभी प्रकार के त्रिभुज, सभी प्रकार के चतुर्भुज, सभी पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, किसी भी प्रकार की आकृति हम इस रबड़ से इस जियो बोर्ड में बना सकते हैं। आशा करता हूं ये जियो बोर्ड आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहें तो अपने घर में भी इसी प्रकार से छोटी छोटी पिंस की मदद से एक जियो बोर्ड थर्मोकोल पर या गत्ते पर बना सकते हैं।